दोस्तों, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक एंटरप्रेनर्स के लिए टीचिंग क्यों ज़रूरी है। कैसे अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर या बिजनेसमैन या को फाउंडर बनना चाहते हैं तो उसमें टीचिंग की क्या भूमिका रहेगी। वाई टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन एंटरप्रेनरशिप। दोस्तों, पढ़ना और पढ़ाना ये चीज़ें हम सदियों से करते आ रहे हैं। यदि हम बात करें आज से 40,000 साल पहले की, जब केव पेंटिंग हुआ करते थे, जिसे हम गुफा चित्रकला भी कहते हैं, जब पत्थरों पे पेंट किया जाता था, तब से लेके आज तक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ज्ञान को पहुंचाया गया है, जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फिर नॉलेज लेने लगे। लेकिन दोस्तों, जो एक्चुअल लर्निंग होती थी वो एकदम रुक सी गई। हम केवल किताबों एंड लेक्चर्स में पढ़ते रहे, और ये हमारी गलती नहीं है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइंड है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं। जी हाँ दोस्तों, इवन दुनिया का जो सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसकी नॉलेज पूरे दुनिया में फेमस है, अमेरिका से भी ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। दोस्तों, अगर हम 5th सेंचुरी की बात करें तो ट्रेड और संस्था, जहाँ पे लोग ट्रेनिंग लिया करते थे, उन लोगों के पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता था और वो लोग पढ़ाया करते थे जो उस फील्ड में मास्टर हुआ करते थे। दोस्तों, पहले के समय में यही हुआ करता था, काफ़ी सालों की प्रैक्टिकल लर्निंग के बाद लोग एक दूसरे को चीज़ें बताया करते थे। दोस्तों, इसके बाद आया जर्नी मैन फेज, जहाँ लोग घर छोड़कर जंगलों में और पर्वतों पे या घर से काफ़ी दूर जाके बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को सीखा करते थे। इस तरीके से वो बहुत सालों के बाद, कठिन परिश्रम के बाद, वो फिर अपने आप को काबिल समझते थे। आज दोस्तों, आज बहुत सारी कंपनियां ट्रेनिंग सिस्टम चला रही हैं, मेंटोरिंग सिस्टम या स्किल बिल्डिंग कोर्स, लेकिन ये ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ये सब इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल होती हैं। इसमें दोस्तों कंपनी केवल अपने फ़ायदे के लिए देखती है, यहाँ पे आपकी लर्निंग कम और कंपनी का फ़ायदा ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब तक हमने बात करी कि कैसे पहले समय में टीचिंग और नॉलेज एक्सचेंज हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि एक एंटरप्रेनर के लिए टीचिंग का क्या रोल है, कैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस या स्टार्टअप कर सकते हैं, और टीचिंग क्यों उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इन एंटरप्रेनरशिप। दोस्तों, कोई भी चीज़ तब अच्छे से आगे बढ़ती है जब वो एक साथ चले। जितना ज़्यादा हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को अनाउंस करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो चांसेस और ज़्यादा होती है एक सक्सेसफुल कंपनी बनने की। दोस्तों, हम में से सभी लोग किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई ना कोई कोई सिंगर होगा, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कोई मार्केटिंग पर्सन है, एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को लोगों को बताएं या एक्सप्लेन करें, या अपने एक्सपर्टीज़ को अगर हम और लोगों तक शेयर करें तो क्या होगा। चलिए दोस्तों, समझते हैं। पहली बात, रीट्राइवल प्रैक्टिस। दोस्तों, ये एक थ्योरी है, एक फार्मूला है। इसका मतलब होता है कि जितने भी बार आप अपने स्किल को रिकॉल करते हैं, बार बार उसे करते हैं, उसे दूसरों को बताते हैं, उसमें हम उतना ही एक्सपर्ट बनते हैं। एक तरीके से हम प्रैक्टिस का काम ही करते हैं उस पर। और दोस्तों दूसरा जो फार्मूला है वो है प्रॉटेज इफेक्ट। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने दिमाग में ये बात रखते हैं कि हमें किसी चीज़ को दूसरे को एक्सप्लेन करना है या बताना है, तो हम उस चीज़ को और गहराई से पढ़ते हैं और समझते हैं। क्योंकि एक टीचर कोई गलती नहीं करना चाहता, और हर आदमी एक शर्माता है इस काम को करने से, कि अगर हम किसी को कुछ गलत बताएं तो हमारी बदनामी होगी। दोस्तों, रिट्राइवल प्रैक्टिस और प्रॉटेज इफेक्ट इतने पावरफुल फार्मूले हैं कि इसके बदौलत आज जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड बना चुके हैं, और उन्होंने खुद इस बात को कहा है, स्वीकार किया है कि टीचिंग उनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, आज की अगर बात करें, अगर आप थोड़ा सा भी स्टार्टअप वर्ल्ड में इंटरेस्ट रखते होंगे, और अगर आप थोड़ी भी न्यूज़ या मैगजीन्स पढ़ते होंगे, तो आपने जैक मा का नाम जरूर ही सुना होगा, जिन्होंने एशिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बनाई, जिसकी वैल्यू आज 50 अरब डॉलर है। दोस्तों, अगर 1980s की बात करें, मतलब आज से 40 साल पहले, जैक मा को इंग्लिश सीखने का काफ़ी पैसन था, और वो अपने दोस्तों को ईमेल करके इंग्लिश सीखा करते थे।
और बाद में 10 साल तक वो एक कॉलेज में इंग्लिश के टीचर भी रहे और आज जेट मा दुनिया के 8वें सबसे रिचेस्ट पर्सन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्रांड बिल्डिंग। दोस्तों एंटरप्रेनर्स के लिए ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दोस्तों नॉलेज शेयर करने से हमें मौका मिलता है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने एक्सपर्टीज़ को, आप अपने स्किल्स को लोगों तक शेयर करते हैं तो आप अपने इंडस्ट्री के बियॉन्ड लोगों तक पहुँचने का मौका रखते हैं, चाहे वो कस्टमर हो, ब्रांड एम्बेसडर हो या एम्प्लॉई हो। दोस्तों टीचिंग से आपकी छवि बहुत ही अलग बनती है समाज में, उसका कोई तोड़ नहीं होता है और इससे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें एजुकेटर बनना है तो हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं और हम अपने प्रोफेशन को एक नए एंगल से देखते हैं और इससे दोस्तों एक नया कॉन्फिडेंस आता है जिसे हम पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग बुक्स वगैरह कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। यह हमें दोस्तों एक नई जगह बनाने का मौका देता है दुनिया में और हमारा ब्रांड प्रेजेंस काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों तीसरी सबसे खास बात, हाई लेवल सेटिस्फैक्शन। दोस्तों ये देख के काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब हम किसी को देखें कि वो सफल हो गया है और उसे आपने ट्रेन किया है या एजुकेट किया है। दोस्तों टीचिंग इज मोर देन जस्ट अ जॉब, दोस्तों ये एक ऐसी प्रोफेशन है जिसके आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एलन मस्क के टीचर भी नेक्स्ट टेस्ला बनाए, लेकिन उनका स्टूडेंट आज दुनिया का सबसे फेमस और सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है, ये काफ़ी बड़ी बात है उनके लिए। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि हर दिन वो बिजनेस चैलेंज में अगर आप अपने लोगों को नॉलेज शेयर करते हैं और चीज़ें बताते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल भी काफ़ी दूर होती है। और दोस्तों आखिरी में चौथी बात, एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी। दोस्तों अगर आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं और साथ ही में लोगों को अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको मौका मिलेगा बहुत तरीके के लोगों से मिलने का। और जब आप अपने स्टूडेंट से मिलते हैं तो हमें मौका मिलता है अपने आप को एक्सपोज करने का। दोस्तों ये आपको दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, प्रदान करता है और आपकी थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होती है इससे। दोस्तों आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी एंटरप्रेनर्स हमेशा व्यस्त रहते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को यूनिक बनाया जाए हम सब हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, बजाय हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज़ तब आगे बढ़ता है जब वो एक साथ मिलकर आगे बढ़े। तो दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपर्टीज को, अपने स्किल्स को अगर दूसरों को शेयर करते हैं तो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। तो दोस्तों आप अपने स्किल्स और नॉलेज को जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे और लोग आपको एक अलग रिस्पेक्ट से देखेंगे और समाज में आपकी एक अलग पहचान होगी और साथ ही में आपका ब्रांड और सर्विस एक्सपोनेंशियल तरीके से आगे बढ़ेगा। थैंक यू।